हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कूलपैड कूल वन का फोल्डर डिस्प्ले दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने अमेज़ोन से मंगाया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये फोल्डर के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो ऊपर का होता है, इसको ग्लास डिजिटल पैड बोलते हैं। ये जो ऊपर का आप ये देख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक हिस्सा है, और इसके साथ ये एक सर्किट ये जुड़ा होता है, यानी कि ऊपर इसकी डिजिटल ग्लास के अंदर खाली ये जो ब्लैक वाला हिस्सा ये आता है, बाकी जो ये नीचे का हिस्सा है जो वाइट वाला, ये डिस्प्ले कहलाता है, और ये इसके साथ ये सर्किट होता है, ये मेन डिस्प्ले होती है। तो ये हमें अगर किसी के फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ऊपर से ग्लास टूट जाता है, तो मोबाइल रिपेयर करने वाले खाली ये चीज़ चेंज करते हैं। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, इसे वो गर्म करके इन दोनों पार्ट को अलग करते हैं, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको चेंज कर देते हैं। तो इसको ठीक करवाने में कम पैसे लगते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्ले भी मतलब उसमें जो है कोई भी पीछे की फ़ोन की पिक्चर्स वगैरह आनी बंद हो जाती हैं और डिस्प्ले बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में ये पूरा ही फोल्डर जो है लगवाना पड़ता है। इसमें इसके साथ ये भी आता है। अगर हम अमेज़ोन पे अगर चेक करेंगे तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी मिलती हैं, और एक साथ इसका पूरा फोल्डर भी मिलता है। अलग में आपको खाली ये ऊपर का ग्लास मिलेगा, और ये इसके साथ ये वाला सर्किट अटैच होगा। लेकिन अगर आप पूरा फोल्डर खरीदते हैं तो उसके साथ ये डिस्प्ले भी होगी, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है मिरर फिनिश की, और इसके साथ ये कॉपर का सर्किट होता है। फ्रेंड्स, ये हमने हमारे फ़ोन के लिए 2000 रुपये में अमेज़ोन से मंगवाया है। इसे अब हम किसी मोबाइल रिपेयरर से लगवा लेंगे।